साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधवानर कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर का फा फैला रही है।